बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। न्यूज़ पॉइंट हिस्ट्री चैनल में आप सबको खुश आमदीद करती हूँ। तो जी हाँ स्टूडेंट, आज की वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो कह रहे थे कि मैम हमारे जो है रिज़ल्ट कार्ड पर जो सॉरी पोर्टल हमने ऑन किया तो उस पर कुछ इशूज़ आ रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म जो है हम सबमिट करवाने जा रहे हैं तो उनके अबाउट जो है उनको जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, लेकिन वीडियो को मुझसे डिस्कस करने से पहले न्यूज़ पॉइंट हिस्ट्री चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मौजूद हो। तो जी हाँ स्टूडेंट, आज जो स्पेशली जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ वो आपके लिए, पंजाबी यूनिवर्सिटी ने जो है एक पोर्टल जो है वो ओपन किया था ऑनलाइन एडमिशन के लिए MA MSc BA BSc ADP ADS पार्ट वन और पार्ट टू के स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन एडमिशन के। वो कहते हैं कि मैम हम जो हैं फॉर्म जो है फिल करते हैं लेकिन आगे जो हमें रिस्पॉन्ड जो मिलता है वो लिखा होता है रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है, प्रॉब्लम और सोल्यूशन जो है इसका आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। एक्चुअली बात पता क्या है स्टूडेंट्स, जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है ना पंजाबी यूनिवर्सिटी में, वो उन स्टूडेंट के लिए ये लिखा रहा है जिनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो 2015 से जो है लेके बैच जो है उनका है आप 2014-13, यानी कि आप अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड चले तो 11, 12, 13, 14, 15 और 16, समझ आ रही है। ये उन स्टूडेंट के लिए जो ये सब कुछ लिखा रहा है रिकॉर्ड नॉट फाउंड, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो दोबारा पंजाबी यूनिवर्सिटी में जाके पूछें कि उनकी जो है रजिस्ट्रेशन वो वैलिड है कि नहीं। 2017 के जो स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट के लिए जिनकी रजिस्ट्रेशन 2017 में हुई, 18 में हुई या 19 में हुई, उनको ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा। ये प्रॉब्लम सिर्फ उन स्टूडेंट को आ रहा है जिनका जो है रजिस्ट्रेशन 2016 से पहले हुई हुई थी, तो वो इसलिए परेशान ना हो। अभी जो है तकरीबन एक वीक पड़ा हुआ है उनके एडमिशन जाने के लिए, तो वो पंजाबी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में जाए और वहाँ से जो है सारी गाइडलाइन हासिल करे और अपनी रजिस्ट्रेशन को जो है वो वैलिड करवाएं। तो इसका कोई ज़्यादा मसला नहीं है, उम्मीद करती हूँ आपको इस बात की समझ आ गई। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।